सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, मैं प्रीति कुमारी, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। और मैं यूपी गोरखपुर से रहने वाली हूँ। मतलब मेरी तो पढ़ाई हो रही थी, बट जो मेरे डायरेक्टर सर हैं वो ऑडिशन ले रहे थे गोरखपुर में, तो मैं उन्होंने मतलब मैं ऑडिशन देने गई वहाँ पे, और उन्होंने मुझे देखा। जो भी मतलब एक खामी होती रहती है वो मेरे अंदर थी, तो डायरेक्टर सर ने मतलब सेलेक्ट कर दिया मुझे। और मैं उनको थैंक यू भी कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा पहली मूवी है और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया है। शायद आगे भी वो मुझे मतलब मूवी में लेंगे और साथ हमारा हमेशा दें वो, उनको मैं हमेशा की। मैं अब BSc फाइनल चल रहा है, मेरा फाइनल ईयर है और एग्ज़ाम है मेरा मार्च में। और परिवार के रंग लगे कि जब आपको मौका मिला इसमें काम करने के लिए, परिवार का कितना साथ है आपको प्रोडक्शन का? हाँ, ये मेरी फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, अभी भी सपोर्ट कर रही है। और सबसे खासियत बात ये होती है गांव में कि लोग लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, और हमारी फैमिली ये है कि जो मेरी मतलब बच्ची चाहेगी, जो उसका मन होगा वो करेगी वो। और वही मैं अपनी फैमिली को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सराहा, उसके लिए थैंक यू। तो कब से तैयारी करके आप अभिनेत्री बनी, क्या क्या स्किल्स से आपने डांसिंग सीखा? डांसिंग का तो मुझे बहुत शौक था और मैंने डांस भी सीखा और एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखी, बाकी तो मेरे डायरेक्टर सर थे भाई बताया, जो भी था उन्होंने बहुत साथ दिया, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में देखते हैं कि कितने गाँव में आते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा इंडस्ट्री परिवार के साथ देखने को, तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती है? अगर लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस रहे तो कोई भी मतलब कोई भी पड़ाव आए उसको पार कर देती है। और रही बात ये सब चीज़ों की, तो वो फैमिली तो जानती है कि मतलब भोजपुरी में ये सब होता है, बट फिर भी अगर उस लड़की को करना है, लड़की को मेरी ये बनना है, तो वो पूरा सपोर्ट करेगी। मेरी तो यही इच्छा है, मैं आगे चल के मैं बॉलीवुड में काम करूँ, बॉलीवुड मूवी सीरियल जो भी एल टी वी, और उसमें मैं जाना चाहती हूँ, देखते हैं आगे। इस फिल्म के बाद ये फिल्म कितना बड़ा आपका सपना साकार हुआ है, क्या करना है इस फिल्म को? ये फिल्म तो एक ड्रीम होती है जो मेरी पूरी हुई है, और इस फिल्म को मतलब नया फिल्म प्रोडक्शन हाउस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मतलब पहली ब्रेक दी इस मूवी में।